हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पर अभी अभी बहुत बारिश हो रही है और अभी थोड़ी कम है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आज मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँगी तो वो भी आपको दिखाऊँगी। और मैं दोपहर का खाना आधा बच्चों के लिए बना लूँगी, उसके बाद जाऊँगी। तो आज मैं मुनगा की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी और इसे कहीं दूसरे जगहों पर इसे सहजन भी बोलते हैं, तो मैं इसे आज बनाऊँगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसका रसा भी बनाओ या सूखी भी बनाओ, जो भी अच्छा ही लगता है। और इसे देखिए, मैं जो छोलनी रहता है छोलने के लिए, उससे हल्की हल्की हाथों से इसी तरह से मैंने छोल लिया है। और इसे अब मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने पूरी तरह से सबको एक साइज का काटा है। एक साइज का काटने से देखने में बहुत सुंदर दिखता है और इधर उधर हो तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं एक ही साइज की काटती हूँ इसे। और मैं इसमें आलू भी ऐड करूँगी। देखिए, मैंने सारा मुनगा कट कर लिया है। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो आधा खाना बनाकर ही जाती हूँ, ताकि माँ को या और तकलीफ ना हो। तो मैंने इसे बना लिया है, दाल भी बना दूँगी, बस माँ चावल बनाएंगी। और अभी मैंने बच्चों के लिए नाश्ता भी नहीं बनाया है, तो मैं साथ ही साथ उसे भी बनाऊंगी। और मैं आपको ये रेसिपी तो उतना ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगी, तो आप सभी तरह पर दूसरे दूसरे तरीके की भी बनाई जाती है, तो हमारे तरफ की जो तरीके होते हैं मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए, यहाँ पर फिर पानी गिरना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा पानी की बरसात हो रही है। और मैं सभी कचरे को इसमें इकट्ठा कर लूँगी। और मैंने अभी नहा भी लिया है, और मैं नहा धोकर ही जल्दी उठती हूँ तो नहा लेती हूँ पहले से। फिर बच्चों के लिए कुछ भी बनाना मुझे आसान ही होता है, वो जो भी कुछ कहे उसे बनाती रहती हूँ। और नहाना धोना होता है तो लेट होता है, इसलिए मैं उनके उठने से पहले ही नहा लेती हूँ। देखिए, मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि उसमें मिट्टी उट्टी हो आलू में, तो थोड़ी सी अच्छी हो जाए। और मैंने यहाँ तवा गरम कर लिया है। देखिए, मैंने चावल भी, जैसे पेज बोलते हैं, उसी को पका ली हूँ। और इस सूखी सब्ज़ी में हम उसे भी खा लेंगे और दोपहर में भी ये हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा काटा है। और कहीं भी जाती हूँ तो मैं तैयार होने में भी थोड़ी सी टाइम लग जाती है, तो इसी हिसाब से थोड़ी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ देखिए, मैंने चावल का आटा लिया है आज, और उस दिन का मेरा थोड़ा बेसन मैदा थोड़ा थोड़ा बच गया था, उसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। और चावल के आटे में हमने चने दाल को भी पिसवा लिया है इसी में, तो इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। और मैं दूसरी तरीके से भी बनाती हूँ, जो चावल को भिगो लेती हूँ रात भर, और सुबह उसे मिक्सर में पीस लेती हूँ और उसी के चीला बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ मैंने मसाले की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला है। देखिए, इसमें धनिया पत्ती थोड़ा सा हो तो वो और भी अच्छा लगता है, पर मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है तो मैं नहीं डालूँगी। और देखिए, मैंने छोटा सा प्याज डाल दिया है, धनिया और सूखी मिर्ची डाल दी, और थोड़ा सा जीरा डाला है, उतने को मैं पीस लूँगी। उसके बाद
सब्जी में डाल दूंगी, और वो जो चीला होता है उसे चटनी में खाने में या फिर पताल की चटनी में खाने से बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इसे हमारे बच्चे तो चाय में ही ज़्यादातर खाते हैं, तो चाय और चटनी बनाती हूँ। कोई चटनी पसंद करता है तो कोई चाय, उसी तरह से तो मैं दोनों बना लेती हूँ। और मैंने अभी सुबह उठी थी तो ज़रूरी था सिलाई, उसे भी कर ली हूँ। और मैं इसे इस सब ब्लाउज को प्रेस भी करूँगी। तो अगर मुझे ज़रूरी सिलाई होता है तो मैं और जल्दी उठ जाती हूँ सुबह, और रात को लेट से तो मेरे से काम नहीं होता है सिलाई का, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और उसे एक ब्लाउज हो या आधे की बची हो तो उसे मैं कर लेती हूँ सुबह उठकर। तो यहाँ मैंने अब सरसों डाल दिया है देखिए, और तेल को कढ़ाई के बगल बगल से ही देती हूँ मैं, ताकि वो बगल में भी तेल रहे और चिपके ना बोल के। और ये देखिए मैंने आलू और मुनगा को दे दिया है। अब मैं थोड़ी सी मसाला डालूँगी, कुछ भी सूखी सब्जी हो तो मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालती, कम डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कलर मिर्च डाल दी है, और यहाँ थोड़ा हल्दी और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दूँगी। और इसमें पानी वानी बिल्कुल नहीं दूँगी, गैस है तो मैं इसे एकदम धीमी आंच करके ढक ढक के ही पकाऊँगी, ताकि वो बहुत अच्छी पकती है और स्वाद भी अच्छा आता है। और कुछ भी सूखी सब्जी बनाओ तो उसमें पानी डाल देने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ देखिए मेरा चीला रेडी हो रहा है, और मैं खाने के लिए बच्चों को बुलाऊंगी। यहाँ मेरा चिंटू देखिए चीला खा रहा है, और वो चटनी में खा ले बोल रही हूँ तो कुछ सब्जी दे बोल रहा है, और चाय में ही खा लेता है कभी कभी, कभी कभी वो सब्जी दे बोलता है, तो कुछ भी सुबह के बनाती हूँ तो उससे खा ही लेता है। तो ये मैंने लेट में बनाना स्टार्ट किया था तो पका नहीं था, नहीं तो उसी में खा लेता। और ये चीला जल्दी भी हो जाता है, और सुबह बच्चों के नाश्ते के लिए अच्छा ही होता है। और कभी कभी इडली भी बना देती हूँ, कभी पोहा भी बना देती हूँ। रोज़ रोज़ जैसे नहीं खाएंगे बोलते हैं तो मैं इधर उधर की भी कुछ बनाती रहती हूँ। और ये नाश्ते में तो हम लोग पेज खा लेते हैं, लेकिन ये बच्चे लोग नहीं खाते हैं, तो इनके लिए कुछ बनाना ही पड़ता है। और हम भी दोपहर का खाना खा के तुरंत आ जाएंगे, और मैं शाम को एक स्कूल बैग बनाऊंगी, जो छोटा सा बनाऊंगी थोड़ा, उस दिन जो दिखाई थी उससे छोटा बनाऊंगी। ऐसे बारिश का मौसम होता है, बादल वादल छाया होता है, तो कहीं जाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी अभी बारिश रुकी है तो बहुत ही अच्छी ठंडी हवा भी चल रही है, तो ऐसे मौसम में तो और ही अच्छा लगता है। और हम कल जाने वाले थे तो मेरा काम था ज़्यादा कुछ सिलाई का, और इनका भी काम था स्टूडियो में, तो हम कल नहीं जा पाए। तो हमने आज थोड़ा सा टाइम निकाल कर आज जाकर आएंगे तुरंत खाना वाना खाकर। और हम हमारे आसपास में हैं हमारे जितने रिश्तेदार, ज़्यादा दूर दूर तक नहीं हैं। और हमारे चार दीदी हैं, हमारी बड़ी हैं सब चारों, तो उनके घर भी हम जाते हैं, बहुत जाते हैं, तो वो भी हमें बहुत दूर नहीं लगता। और हमारी बच्चियां भी हैं इधर, तो उनका भी गांव दूर नहीं है। देखिए यहाँ पर पेट्रोल पंप बन रहा है, और ये मौसम बहुत ही हरा भरा लग रहा है, बहुत सुंदर। और ये छोटा सा नदी है। आजकल के मौसम में तो सूखी डाली होती है, उसमें भी बहुत सुंदर हरी भरी
पेड़ पौधा उग जाती है। और देखिए यहाँ चावल बनता है, ये राइस मिल है। आप सबको लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ज़रा भी मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आप ही से मेरा हिम्मत बढ़ेगा, आप ही मेरा साथ दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।